श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, बहुत ही पावन और शुभ दिन अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही जल्द आने वाला है। 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। बहुत ही शुभ दिन होता है, अच्छा दिन होता है, अभूज मुहूर्त होता है। इस दिन क्या करना चाहिए आपको? बहुत से लोग जैसे कहते हैं सोना खरीदो खरीदो अच्छी चीज़ें, लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो कौन सी चीज़ें आपको खरीद के लानी चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश की है। अक्षय तृतीया का दिन जो होता है वो मांगलिक कार्यों के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की बहुत विधिवत पूजा करते हैं। इस दिन सोना खरीदना भी शुभ होता है। कहते हैं इसे इस दिन जो भी प्राप्त धन और संपत्ति बहुत ही लाभकारी होती है। इस दिन खरीदी हुई चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं और शुभ फल देती हैं। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ और चीज़ें भी हैं जिन्हें खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये चीज़ें माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा दिलाती हैं। तो आइए देखते हैं कि सोने के अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अपने घर की धन संपदा बढ़ा सकते हैं। बर्तन या कौड़ी खरीदना। अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीद कर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं पर कौड़ी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है, तो इस दिन कौड़ी खरीद कर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। अगला है जौ या पीली सरसों। इस दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोने चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। ये लाने से घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप ये भी ला सकते हैं कोई भी एक चीज़। घड़ा खरीदना। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्व सोने खरीदने के बराबर होता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा या फिर दीपक मिट्टी के आदि चीज़ों को इस दिन घर में लाना शुभ होता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। अगला है सेंधा नमक। आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ होता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता व मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में बहुत इजाफा होता है। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन आपको सेंधा नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप खरीद कर ला सकते हैं लेकिन सेवन आपको नहीं करना है सेंधा नमक का। अगला है रुई, जो कॉटन की रुई आती है वो। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज़ नहीं खरीद पा रहे तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ होता है। रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि होती है। रुई अगर ना खरीद पाए तो बात ही आती है रुई की, वही खरीद लें। दक्षिणावर्ती शंख। अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं। यह शंख माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय माना जाता है। कहा जाता है इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। श्री यंत्र। अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे तो इस दिन श्री यंत्र खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। घर में श्री यंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन श्री यंत्र की विधि विधान से स्थापना करें। जौ, जैसा कि आपको बताया कि अगर सोना नहीं खरीद पा रहे तो आप जौ खरीद सकते हैं। शास्त्रों की माने तो जौ खरीदना सोने खरीदने जैसा शुभ है। इस दिन खरीदे गए जौ को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें, फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। कौड़ियाँ, जैसा कि आपको बताया कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, ऐसे में अक्षय तृतीया के अवसर पर कौड़ी खरीद कर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और अगले दिन कौड़ी को
लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। आपके घर में पूरे साल धन संपदा का आगमन होता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताया है कि अगर सोना चांदी ना खरीद पाएँ तो कुछ मुख्य चीज़ें हैं, बहुत आसानी से सस्ती चीज़ें हैं जो आप घर में ला सकते हैं, जो कि सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। तो ये चीज़ें हो सके तो आप लेकर के ज़रूर आएँ। कोई भी चीज़ जो ले हैं, संभव हो आपके लिए, वो ले करके आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें।